आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम चार दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फायदा। जिस पर अजय ने कहा, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अकेले रहते हैं, उनका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का, लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ ना, कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि यह कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहां स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम चार दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भींग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय, ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना, हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना? इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई, यही है, वो देख, स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताए जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था, शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है, जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है, तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफी देर से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे? जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे, आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले, तभी मेरी नजर खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में
हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों, उस घर में भूत रहते हैं क्या? इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए, जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भींगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में दो कमरे थे, जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफर तय करने के बाद हम काफी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज कहां से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहां मुझे जमीन पर एक काफी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था तभी मेरे तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था, तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज में कहा इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया, तब हम दौड़कर इस घर में आए।
अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। गांव के इकलौते स्कूल विद्यासागर में आज रात से ही जिग्नेश का काम शुरू होने वाला था। दरअसल जिग्नेश को विद्यासागर स्कूल में चपरासी का काम मिला था। काम के मुताबिक उसे दिन में तो ड्यूटी करना ही था, साथ ही रोज रात को स्कूल में रुककर उसे चौकीदारी भी करनी थी। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा जरूर था, मगर इन सारे कामों के बदले जिग्नेश को एक अच्छी तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे जब सारे बच्चों की छुट्टी हुई तो एकाएक सारे मास्टर भी अपने अपने घर को निकलने लगे। तभी हेडमास्टर साहब चलते हुए जिग्नेश के पास आए और बोले, सारे बच्चे निकल गए हैं तो एकाएक सारे क्लासरूम का दरवाजा जाकर बंद कर दो। अब मैं भी निकलता हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब एक तरफ चले गए और जिग्नेश सभी कमरों का दरवाजा बंद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बच्चों के शोर से गूंजता स्कूल अब धीरे धीरे खामोशी के गिरफ्त में था। सारे कमरों का दरवाजा बंद करने के बाद जिग्नेश जब तक नीचे आया तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जो कि इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। स्कूल 3 मंजिला था और कमरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जिग्नेश कहीं पर भी 2-3 बेंचों को सटाकर आराम से सो सकता था। रजाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ उसे स्कूल की तरफ से ही मिला था। अंधेरा हो जाने के बाद स्कूल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ना तो किसी फ्लोर में एक भी लाइट जल रही थी और ना ही उस पूरे बिल्डिंग में जिग्नेश के अलावा दूसरा कोई मौजूद था। जिग्नेश को स्कूल में रात बिताने को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि इस काम में आज उसका पहला दिन था। खैर, एक लंबी सांस भरकर जिग्नेश सोचने लगा कि आज वो किस मंजिल पर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो सारे कमरे सामानों से भरे पड़े थे, इसलिए अब जिग्नेश या तो दूसरे फ्लोर में रुक सकता था या फिर 3रे फ्लोर में। बहुत सोचने के बाद जिग्नेश ने दूसरी मंजिल पर रात कटाने का फैसला किया और मन में ये ठानते ही वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो, क्योंकि जिग्नेश अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ घुमाई, मगर टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियों को छोड़कर बाकी कुछ जिग्नेश को नहीं दिखा। जिग्नेश को लगा ये उसके मन का वहम होगा, मगर जब जिग्नेश सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर रुका तब भी वो सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती रही और आवाज सुनकर जिग्नेश ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि वो सीढ़ी चढ़ने की आवाज धीरे धीरे 3री मंजिल पर जाकर खत्म हो गई। पहले पहले तो जिग्नेश काफी डर सा गया, मगर फिर उसने सोचा शायद उसी के कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही होगी और ये सिर्फ उसका एक वहम मात्र है, बाकी अगर कोई होता तो दिखता जरूर,
यही सब सोचते सोचते जिग्नेश एक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। रात और ठंड दोनों ही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। कुछ घंटों के बाद जिग्नेश ने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। उसने क्लासरूम के तीन बेंचों को आपस में जोड़ा और अपना बिस्तर लगाकर उसी पर लेट गया। लेट तो वो गया था मगर नींद शायद जिग्नेश की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे जिग्नेश अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जिग्नेश के ठीक ऊपर वाले क्लासरूम में बेंच सरकाया हो। हालांकि ये आवाजें दिन के शोर शराबे में उतनी तेजी से नहीं सुनाई देती, मगर रात की उस गहरी खामोशी में वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कान के पास से ही आ रही हो। पहले तो जिग्नेश ने सोचा जरूर कोई चूहा वगैरह होगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि कोई चूहा बेंच तो नहीं सरका सकता। हालांकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए खुद को तैयार कर ही लिया और टॉर्च उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ चलता बना। सीढ़ियां चढ़कर जिग्नेश जैसे ही तीसरी मंजिल पर पैर रखा तो उसके शरीर के रोंगटे एकदम से फूलने लगे और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था जिग्नेश को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यहां इस तीसरी मंजिल पर ठंड ज्यादा है, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो हर एक क्लासरूम के दरवाजे पर टॉर्च मार मार कर देख रहा था कि कहीं किसी कमरे का दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है। अभी वो टॉर्च मारते मारते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ है। उस खुले हुए दरवाजे को देखकर जिग्नेश को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये दरवाजा अपने आप ही खुला तो खुला कैसे, क्योंकि जिग्नेश को अच्छे से याद है कि उसने इस कमरे का दरवाजा सही से बंद किया था। खैर डरते डरते जिग्नेश उस क्लासरूम में दाखिल हुआ, टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कमरे में कोई नहीं था और ना ही कोई बेंच अपनी जगह से हिला हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पूरा कमरा जांच लेने के बाद भी जब जिग्नेश को कोई अजीब चीज नहीं दिखी तो वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके वापस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ से किसी के फ्लोर पर दौड़ने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जिग्नेश चौंकते हुए एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। जिग्नेश को अब समझ आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने कदम तेजी से चलाने लगा। जिग्नेश अभी चलकर सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंकल इधर हूं मैं। उस आवाज को सुनकर जिग्नेश के बदन में खून की जगह डर दौड़ने लगा, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो पीछे पलटा तो पाया कि फ्लोर के उस तरफ जहां लोहे की रेलिंग लगी हुई थी उस तरफ एक बच्चा रेलिंग के ऊपर खड़ा है। उस बच्चे की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। तभी उस बच्चे ने चिल्लाकर जिग्नेश को कहा, अंकल टॉर्च मत जलाओ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो किसी भूत की तरह खड़े होकर सिर्फ उस बच्चे को देखे जा रहा था।
मगर तभी उस बच्चे ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर जिग्नेश के होश उड़ गए और वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां नीचे कोई बच्चा नहीं था। जिग्नेश को समझ आ गया कि यहां ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो स्कूल में ना रुककर सीधे घर आ गया। अगले दिन जब जिग्नेश वापस स्कूल गया तो उसने हेडमास्टर साहब को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे ने स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी की मौत के बाद से ही उस तीसरी मंजिल पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले स्कूल ने बहुत से चपरासी रखे थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा टिक नहीं सका। ये सब सुनकर जिग्नेश ने उसी दिन उसी वक्त वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।